जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन कब है, 30 को या 31 अगस्त को। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर सभी के मन में कन्फ्यूजन है। दरअसल इस बार भद्रा के कारण 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने को लेकर मतभेद है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। यही कारण है कि इस पर्व को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। लेकिन पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन पंचक और भद्रा काल का निर्माण हो रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त के दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और यह 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। लेकिन 30 अगस्त यानी सुबह 10:58 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही मृत्युलोक की भद्रा शुरू हो रही है, जो रात 9:01 तक रहेगी। इसके समाप्त होने के बाद ही बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 30 अगस्त 2023 रात 9:02 पर शुरू होगा और 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।